नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद से। जी हां, गुलाम नबी आजाद जो इतने समय से नाराज चल रहे थे, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी से खफा नाराज दिखाई दे रहे थे, गुलाम नबी आजाद जो सोनिया गांधी से नाराज दिखाई दे रहे थे, अब वो गुलाम नबी आजाद उनके तेवर थोड़े से ढीले पड़ गए हैं और उनकी उनके जो बर्ताव है उसमें नरमी देखने को मिली है। मेरे पास जो खबर है उस खबर के जरिए आपको मैं बताऊंगा कि गुलाम नबी आजाद ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और गुलाम नबी आजाद का ये फैसला बताता है कि अब उन्हें कांग्रेस पार्टी के आलाकमान और नेताओं से कोई गिला शिकवा नहीं है। यानी कि जो गिला शिकवा एक समय में था, बीते कुछ दिनों पहले, वो गिला शिकवा अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं और मेरे पास जो खबर है उसको मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार खबर क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्थिति बनी है वो ये है कि गुलाम नबी आजाद ने ये फैसला किया है कि वो जो ये चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इनमें कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और वोट लेंगे। गुलाम नबी आजाद जो पहले ही ये कह चुके थे कि वो पक्के कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उनकी बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने एक शर्त रखी है और ये शर्त क्या है, अब आप इसे ध्यान से सुनिए। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने ये फैसला तो किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन फैसला उनका ये है कि व्यक्तिगत रूप से जहां उन्हें बुलाया जाएगा वो वहां जाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से बंगाल में बुलाया जाएगा बंगाल में जाएंगे, केरल में बुलाया जाएगा केरल में जाएंगे, तमिलनाडु में बुलाया जाएगा तमिलनाडु में बुलाया जाएगा वहां जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर। तो ये शर्त है गुलाम नबी आजाद की कि चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से। खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस तरह से जो देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी और जो गुलाम नबी आजाद हैं उनके बीच कुछ बातचीत हुई है। बातचीत में ये चीजें सामने आई हैं कि सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को जो मनाने की कोशिश वो कर रही थी उसमें वो कामयाब हो चुकी हैं। और देखिए, जैसे कि ये खबर भी है कि जो संगठनात्मक बदलाव होना चाहिए, जो संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए, इसके साथ ही ये मांग की गई थी उन नेताओं की तरफ से जो G23 में शामिल थे कि पार्टी में बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। तो इन सब पर विचार विमर्श किया गया है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है, दरअसल गुलाम नबी आजाद ने ये फैसला इसलिए लिया है कि वो पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे ताकि वो एक मैसेज देकर कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को ये समझा सके कि वो पक्के कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेस का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको जम्मू कश्मीर की ताजा जानकारी याद होगी कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ, गुलाम नबी आजाद के पुतले बकायदा कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा फूके गए थे, तो ये बात गुलाम नबी आजाद को चुभ गई थी। गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अब उनके खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं। तो ऐसे में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुलाम नबी आजाद का फैसला, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, चुनाव में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, और मैसेज जो दिया जा रहा है गुलाम नबी आजाद की तरफ से, ये बताता है कि वाकई में गुलाम नबी आजाद अब उन्हीं लोगों को सीधा सीधा संदेश देकर ये बताना चाहते हैं कि गलत वो नहीं है बल्कि गलत वो है जो उनके साथ वो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद की यहाँ पर देखिए बात चल रही थी और काफी समय से गुलाम नबी आजाद चर्चाओं में थे। चर्चाओं में रहने की असली वजह थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो जिस तरह से
उनका जो राजनीतिक टर्निंग पॉइंट हो गया था, जिस तरह से उनका रुख कांग्रेस की तरफ से हटकर बीजेपी की तरफ जा रहा था, पीएम मोदी की तरफ जा रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस के ना सिर्फ पार्टी आला कमान बल्कि कांग्रेस के अन्य नेता भी हैरान थे, अचंभित हो गए थे कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद को ये क्या हो गया है। गुलाम नबी आजाद जो सीनियर पर्सन लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, जो इतने समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, बकायदा खुद गुलाम नबी आजाद जिन्होंने ये बात कही थी कि जब स्कूल के समय वो पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो उस वक्त वो गांधी के बारे में पढ़ते थे, नेहरू के बारे में पढ़ते थे, जो सोच गुलाम नबी आजाद रखते थे उनकी सोच कैसे बदल गई, तो ये तमाम चीजें हैं जो निकल कर सामने आई थी। और उसके बाद स्थिति को, राजनीतिक माहौल को देखते हुए गुलाम नबी आजाद का फैसला कि वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। शर्त क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दरअसल देखिए ये है कि राजनीति का एक फंडा होता है, राजनीति में जब कोई दिग्गज नेता एक पार्टी, जिस पार्टी में रह रहा है उस पार्टी का साथ अगर छोड़ने की वो कोशिश भी करता है, तो ऐसे में उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, उस पर तमाम तरह से सवालों की बौछार हो जाती है, उस पर सवाल ये किए जाते हैं कि जो नेता इतने समय से इस पार्टी के साथ जुड़ा, वो आखिरकार क्या वजह है कि वो उस पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरह से जो कांग्रेस पार्टी के भीतर से सवालों की जो बौछार होने लगी थी, गुलाम नबी आजाद खुद परेशान हो गए। गुलाम नबी आजाद ये समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और किस तरह से उनका एक बयान इतना उनके लिए सिरदर्द बन गया जिसके बारे में गुलाम नबी आजाद ने सोचा तक नहीं था। हालांकि गुलाम नबी आजाद को स्पष्टीकरण भी करना पड़ा। गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान पर स्पष्ट रूप से कहा भी था कि मतलब उनका गलत निकाला गया, उन्होंने तो केवल पीएम मोदी की तारीफ की, बीजेपी के लिए एक अपनी राय रखी थी और इस तरह से कांग्रेसी नेता भड़क गए। तो ये सारी चीजें, जाहिर सी बातें देखने को मिलती हैं। ये पहला कोई मामला नहीं है, इससे पहले भी आपको याद हो तो कई राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी में रहते हुए बगावती तेवर अपनाते हैं, जो पार्टी लीक से हटकर बयानबाजी करते हैं। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसा देखने को मिला कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल फंस चुके थे और ऐसे में स्थिति को संभालते हुए देखते हुए उन्होंने फैसला किया। तो फिलहाल गुलाम नबी आजाद की तरफ से जो स्पष्टीकरण हुआ है और पार्टी आलाकमान जो लगातार कोशिश ये कर रही थी गुलाम नबी आजाद को बनाने की, लगता है उनकी कोशिशें अब कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। तो गुलाम नबी आजाद की मैं बात करूं कि गुलाम नबी आजाद, देखिए दरअसल अगर कांग्रेस पार्टी का साथ गुलाम नबी आजाद छोड़ देते तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलें उनके लिए नहीं होती, कांग्रेस पार्टी के लिए होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये भली भांति जानती है कि कांग्रेस के अंदर अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। गुलाम नबी आजाद की बात करूं तो बहुत अच्छी लोकप्रियता गुलाम नबी आजाद की है, बहुत अच्छे लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं और उनकी जो भाषण है, उनका जो भाषण है और जो वो बात रखते थे, बहुत सारे लोग उनके बातों को पसंद करते, बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर हैं, उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दम घुटने वाली बात, इसे कह सकते हैं कि कहावत है कि पार्टी के अंदर रहते हुए दम घुट रहा है, तो बिल्कुल गुलाम नबी आजाद को भी ऐसा लग रहा था। लेकिन अब मौके की नजाकत को देखते हुए, स्थितियों को समझते हुए पार्टी आला कमान की तरफ से कोशिशें की गई, गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी कोशिशें की गई और देखते ही देखते मामला शॉर्ट आउट हो गया, यानी कि मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इसे कहते हैं कि राजनीति में पल भर में क्या से क्या हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राजनीति में होता ही यह है कि अच्छे अच्छे नेता राजनीतिक पार्टियों का साथ छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर उस पार्टी में रहकर वो पार्टी लीग से हटकर अलग बयानबाजी देते हैं। तो यहाँ पर गुलाम नबी आजाद भी थोड़ा सा अलग राह पर चल पड़े थे और गुलाम नबी आजाद के इसी अंदाज को देखकर कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो गए थे। लेकिन अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की मुश्किलें भी अब यहाँ पर कम हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।